अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जी, पिटारा ने जो वीडियो डाली है जिसके अंदर वो बता रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन सक्सेसफुल, तो इसके अंदर इसने कितने झूठ बोली है और कितने प्रूफ दी है वो आगे आप लोगों को सारे के सारे देखने के लिए मिलेंगे। और आप लोग खुद मेरी बात से एग्री करते हो नहीं करते हो वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को भी लाइक कर देना पहले ही, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो चलिए अब इसके झूठ पकड़ते हैं और क्या क्या ये ब्लंडर मारी है और कितना इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाई है। सबसे पहली बात तो इसने ये बोली है कि जिस दिन फेस रिवील हुआ उसी दिन हस्बैंड निकल चुके थे, और फिर दूसरे दिन वही दिन या दूसरे दिन मुस्तफ़ा के पेट में दर्द हुआ, फिर लोग गए उसको ड्रीप चढ़ाए, फिर वापस से घर पे लेके आए, फिर आराम नहीं हो रहा था। इसने गोंचू को बोली कि मुझे डर लग रहा है, मुस्तफ़ा को आराम नहीं हो रहा है। फिर गोंचू दूसरे दिन आया होगा, जाहिर सी बात है 1 घंटे के रास्ते पे तो गया नहीं था, दूसरे दिन गोंचू आया होगा, फिर उसको एडमिट किए। फिर जिस दिन ये वीडियो बना रही है उसके 1 दिन पहले की वीडियो होगी, दूसरे दिन डाली होगी ना इसने, तो इसने जिस दिन वीडियो डाली है उसके 1 दिन पहले फिर उसको ऑपरेशन हुआ क्योंकि गोंचू की साइन की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे सोचो आप लोग के साइन देने के लिए वहाँ पे कौन मौजूद था, गोंचू कब आया, साइन किसने दिया। यार बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। बात यहाँ पे मैं बच्चे को लेके बीच में बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बात मैं कर रही हूँ पिटारा के ऊपर, पिटारा के झूठ के ऊपर, और बहुत सारी बातें हैं जो ढकी हुई है। अगर आप लोग गौर करोगे ना तो वो बातें आप लोगों को सामने नजर आएंगी। 14 जून को इसने ये वीडियो डाली है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, मतलब कि 13 जून को ये बताना चाहती है कि ऑपरेशन हुआ है 13 जून को। और आप लोगों को मैं बताऊं तो 11 जून को ये बात YT पे आई थी कि मुस्तफ़ा का ऑपरेशन हुआ है, और ये बता रही है कि 13 जून को ऑपरेशन हुआ है। अगर ऑपरेशन 13 जून को हुआ है तो 11 जून को ही YT पे खबर कैसे आ गई थी? जो इसके छुप आगे लगा लो आप लोग, वो जो सपोर्टर है जो बोलते हैं कि हमारी कभी बात नहीं होती है, हम नहीं बात करते हैं, समझ गए ना आप लोग, वो बंदी ने लाइव लगा के उसके अंदर बता दी थी कि मुस्तफ़ा का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो 11 जून को ही ये बात YT पे आ चुकी थी। पिटारा ये जाहिर कर रही है कि 13 जून को ऑपरेशन हुआ है। अब यहाँ से आप लोग पिटारा की ये एक वाला जो झूठ है, एक झूठ है, ये तो आप लोगों ने समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने पकड़ लिया, समझ आ गई आप लोगों को कि ये झूठ बोल रही है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताई कि इसने क्या बताई है कि गोंचू फेस रिवील वाली रात को ही चला गया था, और इसने बताई थी कि संडे का वीडियो है, तो गोंचू कहीं पे भी नहीं गया था, बल्कि गोंचू है ना गया है, कौसर का सामान ऐसे उतार के फेंका है, रिटर्न गाड़ी में बैठा है और रिटर्न आ गया है। और वो कब गया है? ऑपरेशन वगैरह हो जाने के बाद, ये सारा कुछ उसका बेटा घर आ जाने के बाद में गोंचू गया है। अगर वो पहले ही चला गया था तो चलो, पिटारा तो बेटे के पीछे परेशान थी तो वो वीडियो नहीं बना रही थी ना, गोंचू क्यों वीडियो नहीं बना के डाला था वही टाइम पे? अगर गोंचू वही टाइम पे गांव गया है तो गोंचू को चाहिए था कि वही टाइम पे वीडियो बना के डालता। गोंचू की वीडियो क्यों रुकी हुई थी? उसने क्यों वीडियो नहीं डाला कि अरे मैं यहाँ पे पहुँच गया, उसके बाद में मुस्तफ़ा का ये हो गया तो मैं निकल रहा हूँ। बहुत जल्दी, बहुत अच्छा कॉन्टेंट था भाई मुस्तफ़ा इसके, गोंचू के लिए। तो उसने वीडियो क्यों नहीं डाला? उसने इसके लिए नहीं डाला क्योंकि गोंचू वो रात को गया ही नहीं था, गोंचू ऑपरेशन के बाद, जो कि 11, और ऑपरेशन तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑपरेशन हुआ है 11 जून को इसको, मतलब जिस रात को इन लोगों ने ये वाला कुछ ड्रामा किए ना कि फजर की अजान हो रही है, अब मैं जाके वीडियो को एंड कर रही हूँ, उसके बाद में ही इसके लड़के को एडमिट करना पड़ा है। वो जो वजह थी वो मैंने 2-3 वीडियो में और लाइवों में भी बता चुकी हूँ, और वो वजह से ये गोंचू भी वहीं पे था, फिर बाद में मुस्तफ़ा को एक आध या 2 दिन रखे वहाँ पे, उसके बाद में उसको घर भेज दिए, उसके बाद गोंचू गया है कौसर को छोड़ने, और छोड़ के वो रिटर्न उल्टे पैर वापस आ गए हैं। क्योंकि पिटारा को भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि गोंचू है ना उससे एक पल के लिए भी दूर रहे। जैसे कि उसने अपनी मल्लिका वाली वीडियो में क्या बोली थी, एक उसने सीन ली थी लेकिन वो सीन में ना सच्चाई थी कि ये अपने पास रोकने के लिए ना कितना भी बड़ा ड्रामा कर सकती है, गर्मी में खाना बना सकती है, ये कुछ भी कर सकती है सिर्फ और सिर्फ गोंचू को कौसर से दूर रखने के लिए। उस सीन में क्या था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हमें गर्मी होती है, हम खाना वाना नहीं बनाते हैं, हम मल्लिका है। उसने बोला मजाक मजाक में कि अगर आप खाना नहीं बनाओगे ना तो फिर वो जो गोंचू महाराज है ना
वो अपनी दूसरी बेगम के पास चले जाएंगे। नहीं, मैं वहां नहीं जाने दूंगी, मैं खाना बनाऊंगी। वो एक सच्चाई थी इसकी जिंदगी की कि गोंचू को ये उसके पास से दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। देख लो, फौरन गोंचू को इसने बुलाने वाला ड्रामा कर ली, बल्कि ये गोंचू गया ही नहीं था। और ये सारा कुछ ड्रामा करके इसने ये जताने की कोशिश की कि बेटा बीमार था ना, इसके लिए गोंचू वापिस आ गया है। हालांकि गोंचू वापिस क्या आएगा, गोंचू बेटे के घर पे आने के बाद में गया है और बहाना मिल गया कि मुस्तफ़ा बीमार है, तो वो फौरन फौरन वापिस आ गया ऑडियंस को दिखाने के लिए कि मैं तो बेटे के लिए वापिस आया हूँ। दूसरी बात इसने ये बोली कि बाप ने साइन किया तब जाके ऑपरेशन हुआ। मुझे ये नहीं समझ आई कि वो जो एक चश्मीज बंदा है वो क्यों वहाँ पे मौजूद था। कहीं साइन उसकी तो नहीं देना था पिटारा, क्योंकि गोंचू तो तेरे को लेने के लिए, कभी कौथर को छोड़ने के लिए, ये सब चीज़ों में गोंचू बिजी था, है ना। तो फिर वो बंदा वहाँ पे स्टिल खड़ा हुआ था, वो बंदा वहाँ पे स्टिल रुका हुआ था, तो उसका वहाँ पे रहना इतना ज़रूरी क्यों था। जो कौसर का बच्चा पैदा होने वाला था वो टाइम पे भी वही बंदा खड़ा था, वहाँ पे भी साइन देनी थी। क्यों? क्योंकि डिलीवरी उसकी बीवी की हुई थी, कौसर की थोड़ी हुई थी, तो साइन तो उसको देना था। फिर यहाँ पे भी उसकी साइन, बस समझदार को इशारा काफ़ी है। आप लोग खुद समझ जाओ कि शॉपिंग वो कराएंगा, आए दिन बेटा गायब रहता है, ये बोलती है दोस्त के इधर गया हुआ है। समझ गए ना आप लोग? बस घटे ढके छुपे लफ्ज़ों में कुछ बातें हैं जो समझा रही हूँ, वो आप लोग समझदार हो, और समझदार को इशारा काफ़ी है। और ये सारी बातें मैंने अपने दिल से तो की नहीं हूँ, जो इतने वीडियो में दिखाई है उसमें से सच्चाई निकालना और जो फैक्ट है वो ऑडियंस को दिखाना मेरा काम है, तो वो मैं इसके वीडियो में से निकाल के दिखा रही हूँ। दूसरी बात इसने बोली कि मैं ऑपरेशन के टाइम पे वहाँ पे नहीं रुकी, मैं घर पे आ गई। अब आप लोग बताओ कि कौन सी माँ होगी जो इस टाइम पे बच्चे को हॉस्पिटल में अकेले छोड़ के खुद घर पे आ जाएंगी। इसका घर पे दिल कैसे लग रहा था? जो माँ होती है ना उसका दिल नहीं लगता। ये कैसे घर पे रुकी हुई थी और बोल रही है मैंने ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, अब ऑपरेशन हो गया है तो अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, गोंचू मेरे को लेने आ रहा है। अरे भाई, जब ऐसा कुछ बच्चे को छोटी सी चोट भी आती है ना, तो माँ बाप उसके पास से खाना, कॉफ़ी, ठंडा, ये सब तो बहुत दूर की बात है, उसके पास से उठ के ना एक गिलास पानी लेने के लिए भी अगर बाहर जाना पड़े ना, तो भी माँ बाप नहीं हिल सकते वहाँ से। तू कैसी माँ थी जो तू घर पे बैठी थी? कौन सा तेरे को घर पे काम था? क्या ऐसा तेरे को था घर पे? कौन आया हुआ था? किससे मिलना था? क्या ऐसा तू कर रही थी जो तेरा घर पे दिल लग गया कि वहाँ पे तेरा बच्चे को इतनी तकलीफ में है, वो उसका ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन छोटी चीज नहीं होती है भाई, ऑपरेशन हो रहा है और तू घर पे थी। कैसी माँ है तू? तो यहाँ पे जब ऑपरेशन नहीं हो रहा होता है ना, तो माँ है ना बेफिक्र होके घर पे बैठती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेटअप तैयार हो रहा था। अब ये हॉस्पिटल में रहेंगी तो इसको बाहर बैठना पड़ेगा, बाहर बैठ के ये ऑपरेशन थिएटर दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर अंदर जाते हुए निकलते हुए दिखाना पड़ेगा, पेपर वगैरह दिखाने पड़ेंगे कहाँ पे साइन दिए। और ये रिएक्शन वाले तो इतने ज़्यादा चैप्टर है ना कि पेपर वगैरह में से ना कुछ तो निकाल के इसका भांडा फोड़ ही देते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसको दिखानी पड़ती। इसके लिए इसने बोल दी कि मैं तो बाहर हूँ। वाह पिटारा, तालियां बजाओ कि मैं तो डायरेक्ट घर पे हूँ। क्यों? क्योंकि सेटअप तैयार हो रहा था, ऑपरेशन होने के बाद वो रूम का सेटअप तैयार हो रहा था जहाँ पे इसको शूट करना था जाके, जहाँ पे इसको ये जताना था कि ऑपरेशन हुआ है। देखो कौसर वाला जो सीन था ना, उसमें ऑपरेशन तो हुआ था, बच्चा तो हुआ था, भले ही वो अब हम ऑपरेशन थिएटर में तो थे नहीं कि कौसर को हुआ कि ये चश्मीश की बीवी को हुआ, अंदर ये शूट करती है ना, ऑपरेशन तो हुआ था वो तो हमें पता है, और किसका हुआ था वो भी हमें पता है। अब यहाँ पे कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं था, कौसर के टाइम पे ये बराबर बाहर बैठी हुई थी, ये बराबर रूम वगैरह भी दिखा रही थी, सारा कुछ दिखा रही थी। अब यहाँ पे ये दिखा ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी का भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, कोई इसके रिश्तेदार का या किसी से लोग कुछ खरीद रहे हैं, जैसे पिछली बार बच्चा खरीदे थे, तो ये बार ये कैसे ऑपरेशन थिएटर दिखाती, ये कैसा वो सारा कुछ दिखाती, आप लोग खुद सोचो। तो इसके लिए ये बोल दी कि मैं घर पे हूँ और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब के शर्म आनी चाहिए पिटारा तेरे को, इतना साफ झूठ बोलती है जैसे ऑडियंस यहाँ पे बेवकूफ बैठी हुई है। बाकी यहाँ पे इसने ये भी बोली कि मैंने वो आदमी को बुलाई, चश्मीश को, मतलब वो 1-1.5 घंटे की दूरी पे रहता है, इसने वहां से उसको बुलाई, फिर इसके बेटे को वो लेकर गया।
ऐसे तो इसको रोल खाना होता है, या इसको कौतर के घर पे जाना होता है, या इसको शॉपिंग करने के लिए जाना होता है, और गोंचू यहाँ पे मौजूद नहीं होता है, गांव में होता है, तो ये गाड़ी लेके अकेली निकल जाती है। लेकिन बच्चे को लेके ये अकेली नहीं निकली। और अब कोई ये ना बोले कि इसको रास्ता नहीं पता था। भाई आजकल है ना, गूगल है ना, किसी को कहीं पे भी पहुंचा सकता है। जैसे कि ये बोलती है कि जो रमजान है उसको सारे रास्ते पता है, सब कुछ पता है। भाई तू कॉल करके वो बंदे से एड्रेस ले लेती, गूगल पे डालती, यहाँ पे तू मुस्तफा भी साथ में रहता, रमजान भी साथ में रहता, और इसको भी गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है? रमजान ड्राइवर भी तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि रमजान को गाड़ी चलाने नहीं आती है, तो उसको बुलाना क्यों जरूरी था? उसकी साइन चाहिए थी इसके लिए, समझ जाओ। और जिस तरह से मैंने बताई हूँ पिछले दो वीडियो में कि रीजन क्या था एडमिट करने का, तो उसमें भी साइन चाहिए रहती है। बीवी रहेंगी उस जगह पे तो मियाँ की साइन चाहिए, मियाँ रहेगा तो उसके बाप की साइन चाहिए, बच्चा है या जो भी है, जो उसके ऊपर जो भी रहेगा ना, उसकी साइन चाहिए रहती है। तो फिर वो बंदे को बुलाने का तुक तो यही बनता है कि उसकी साइन की जरूरत थी, वरना हॉस्पिटल तो ये और रमजान भी लेके जा सकते थे। लेकिन ये लोगों ने नहीं ले जाके वो बंदे को 1.5 घंटे की ड्राइव करके बुलाए और उसके साथ में भेजे, 1.5 घंटा ही अपने बेटे को तड़पता हुआ देखती रही। बस इसके ड्रामे सुनते जाओ आप लोग। और उसके बाद में जब ऑपरेशन हो रहा है तो ये बंदी घर पे बैठी हुई है, हॉस्पिटल में कोई नहीं है वो चश्मीश के अलावा, और ये घोंचू को बुला रही है कि मुझे लेने के लिए आ। हालांकि इसको आती है गाड़ी चलाने, मुस्तफा ये सॉरी रमजान भी घर पे है, रमजान भी इसको गाड़ी चला के ले जा सकता था, ये खुद भी गाड़ी चला के जा सकती थी, लेकिन नहीं, इसने गोंचू को वापिस से घर पे बुलाई कि मुझे लेने आ। अब सोचो ये सारी बातें आप लोग के कितना झूठ बोल रही है। और फिर बाद में उससे पूछ रही है, चिल्लाया तो नहीं, डरा तो नहीं, रोया तो नहीं? अरे भाई तू उससे जब पूछ ही रही है हाले दिल और हाले जो चल रहा था सीन, तो फिर तू वहां पे रह के सूट कर लेती ना। इतना ही देखो, एक बात होती है ना कि वो टाइम पे मैं मेरे बच्चे को इस हालत में देख नहीं सकती थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं इतनी अच्छी माँ हूं ना कि मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, तो फिर तू वो टाइम का सीन भी मत पूछ। अगर के गोंचू बोलता वो बहुत रो रहा था, बहुत चीख रहा था, उसको बहुत पेन हो रहा था, तो तू तो वैसे भी पूछ रही है, तो वहां रह के तू महसूस ही कर लेती। अब जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेंट बनाना है, तो पूछना भी तो जरूरी है ना। ये बात मेरे नहीं समझ में आई एक बात, कौशर को भी आधी रात को दर्द हुआ ले जाते टाइम पे, इसने वीडियो नहीं बनाई कि कौशर को कैसे दर्द हुआ, कैसे गाड़ी में बिठाए, कैसे हॉस्पिटल गए, कैसे एडमिशन लिए, कैसे एडमिट किए, कुछ नहीं बताई। और ये टाइम पे भी सेम वही, हालांकि पिटारा को वीडियो बनाने का कंटेंट इसके पास रहता ही नहीं है भाई, कंटेंट ही नहीं है इसके पास। और अगर ऐसा कोई सीन होगा तो सोचो कितना भारी भरकम व्यूज आते, कितना बढ़िया कंटेंट बनता, लेकिन इसने कंटेंट नहीं बनाई। सोचने वाली बात है, एक बच्चे की मैयत पे ये कंटेंट बना ली, लेकिन अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाते टाइम पे इसने कंटेंट नहीं बनाई, जो कि कंटेंट की भूखी औरत है। और अब ये तो कोई भी ना बोले कि भाई माँ थी, उसका दिल नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, तो माँ ने वो टाइम पे बच्चे पे तवज्जो दी, कंटेंट नहीं बनाई, अपने बच्चे को गंदा नहीं करना चाहती थी, अपने बच्चे को कंटेंट नहीं बनाना चाहती थी। तो अगर कंटेंट नहीं बनाना चाहती, ये माँ वाला दिल रखती, इस जगह पे अगर ये जताती कि मैं इस चीज को कंटेंट नहीं बना सकती थी, मेरा दिल नहीं माना, तो ये जो वीडियो आई है जिसके अंदर पूरा कंटेंट बनाया गया, तो फिर ये माँ है ना, ये वीडियो भी ना डालती। तो ये बात तो कोई भी ना बोले। अच्छा खुद ही अपने मुंह से बोल रही है, डॉक्टर ने इसको कुछ भी खाने पीने से, पानी वानी देने से मना किया है, लेकिन ये वही बच्चे के सामने, जैसे एक होता है ना हमारा छोटा बच्चा रोजा रखता है, और अगर हम इस चीज में है कि हमारा रोजा नहीं है, जैसे 7 दिन वो जो रहते हैं उसमें हमारा रोजा नहीं है, तो आप लोग बताओ क्या माँ बाप बच्चों के सामने खाते हैं? माँ खाएंगी बच्चे के सामने कि मेरा बच्चा रोजे से है और मैं उसके सामने खा के उसको इस तरह से तकलीफ दूँ? और उसी तरह से बल्कि रोजा तो बहुत अच्छी चीज है ना, ऑपरेशन एक दुख की और तकलीफ की चीज है, तो अगर तेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने उसको कुछ खाने पीने से मना कर दिया है, तो तू उसके सामने जूस लेकर आओ, चाय लेकर आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, कैसे कर सकती है? तेरा दिल कैसे ये सब चीज के लिए गवारा कर रहा था? ये बात भी नहीं समझ आई पिटारा। इसने ये बात और एक बोली कि जो चश्मिश खड़ा हुआ है, इसकी पूरी फैमिली भी आई थी, सब जने बैठे हुए थे, बस अभी ही सब जने गए हैं। और मेरे को ये नहीं समझ आया कि अगर इतनी बड़ी फैमिली को डॉक्टर ने अलाउड किया था, तो कौतर के टाइम पे क्यों नहीं अलाउड थे ये सब जने? कौतर के टाइम पे लोगों की फैमिलियां क्यों नहीं आ रही थी?
लोग क्यों नहीं जमा हो रहे थे? वो टाइम पे डॉक्टर ने मना कर दिया था और ये टाइम पे डॉक्टर ने मना नहीं किया। वो टाइम पे घोंचू को रुकने ही नहीं दे रही थी, बोल रही थी डॉक्टर ने बोला है कि कोई ना रुके, सिर्फ एक जना रुके और कौसर की माँ रुकी हुई है, तो हम लोग नहीं रुक सकते, हम घर पे जाएंगे, हम वहाँ पे जाके अपनी जो गिफ्ट की पैकिंग है वो खोलेंगे, तो कभी हम रमजान की जो ईद की जो लोगों को ईदी भेजनी है उसकी पैकिंग करेंगे, उसका शो ऑफ करेंगे, वो सब तुम लोग करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन ये टाइम पे जब कंटेंट बनाना था ना, तो डॉक्टर ने मना नहीं किया था, डॉक्टर ने बोला आप लोग एक प्राइवेट रूम लो और उसके अंदर ना पूरा खानदान पूरा कंजर आके रहने लग जाओ, वहाँ पे पार्टियां करो, अपने अब्बू का वलीमा करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कौसर के टाइम पे नहीं करना, क्योंकि कौसर से तो हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही है, तो कौसर के टाइम पे आप लोग नहीं कर सकते हो। ये टाइम पे गोंचू रात भी रुका, वहीं पे पड़ा रहा, वहीं पे बैठा रहा, कोई डॉक्टर ने नहीं मना किए, सारे रूल कायदे उनके ना चेंज हो गए। लेकिन कौसर के टाइम पे उनको पता था ना कि इसने पिटारा के साथ में बड़ा जुल्म की है, भाई 13 साल मोहब्बत बन के शादी की है, तो हम तो इसके हस्बैंड को नहीं रुकने देंगे। किसको बेवकूफ़ बना रही है पिटारा, किसको? तेरे बेटे के टाइम पे रुकने दिया गया, कौसर के टाइम पे नहीं। आपको ये बोले कि उसको तो बच्चा हुआ था, ये तो नॉर्मल सा ऑपरेशन है, तो भाई हम भी दुनिया में रह रहे हैं, हम लोग भी ये सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। अगर के प्राइवेट रूम ले लो ना, उसके अंदर फिर कोई भी आए रुके कितनी भी देर, पूरा पूरा दिन बैठे, डॉक्टर लोग का उसके अंदर ये नहीं रहता है। हाँ जब नर्स आती है डॉक्टर आते हैं तो उन लोग बाहर भेज देते हैं कि आप लोग बाहर जाओ, जैसे ही लोग चेकअप करके या जो भी ड्रिप वगैरह चढ़ानी है या इंजेक्शन देना है वो सारा कुछ देके नर्स डॉक्टर चले जाएंगे, उसके बाद फिर से आप लोग जाके बैठ जाओ, कोई नहीं बोलेगा। और लोग इसीलिए प्राइवेट रूम लेते हैं ताकि हमें मिलने मिलना अच्छा मिलने के लिए अच्छा रहे, बैठने के लिए कोई रोक टोक ना करे। और वही अगर हम जनरल रूम में अगर रखेंगे ना, तो फिर वहाँ पे 2 लोग अलाउड होते हैं, एक जना मिलने आओ जाओ, और दूसरा है तो वहाँ पे स्टिल बैठे रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ डॉक्टर जब आते हैं नर्स जब आती है तो दोनों जने हट जाओ। ये रूल और कायदे होते हैं हॉस्पिटल के। ये क्या बताना चाहती थी, ये क्या जताना चाहती है, ये कितना बेवकूफ़ बना रही है, आप लोग खुद सोचो कि ऑडियंस को किस तरह से ये बेवकूफ़ बना रही है, किस तरह से घुमा रही है ये। देखो सीधी सी बात है कि इसके बेटे को एडमिट किया गया था 1-2 घंटे के लिए, जो भी उसने किया था या जो भी उसे दोस्तों के महफिल में करवाया गया होगा या जो भी था, चलो हम मान लेते हैं कि फीवर था ये था, लेकिन सच्चाई वही है जो मैं बता चुकी हूँ। तो 2-4 घंटे के लिए एडमिट करवाया होगा, उसके बाद में इसको छुट्टी दे दी गई, फिर वो घर पे आ गया, उसके बाद में 2 दिन के बाद में या अगले दिन या उसके अगले दिन गोंचू गया है, कौसर को छोड़ा है, वापिस आया है, जिस दिन गया है उसी दिन 2-3 घंटे में ये रिटर्न वहाँ से वापिस आ गया है। और ये सारा कुछ पिटारा का, भाई वही आप लोग को तो समझ ही सकते हो कि क्यों ये वापिस बुला लेती है, वही राजा वाला जो वीडियो बनाई थी मलिका वाला, उसमें जैसे उसने बताई थी वही सारी चीज़ें यार, इससे नहीं बर्दाश्त होता, ये हर वो मुमकिन कोशिश करती है अपने। अभी सोचो कि गोंचू जाएगा 1-2 दिन में वापस आ जाएगा, अब इसके जो सपोर्टर थे और जो लोग हट भी गए थे इससे, वो लोग तो अब हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं, तो वो लोग तो इस चीज़ को लेके इसकी धुलाई करेंगे कि फौरन वो आ गया, ये तो रोना रो रही थी कि मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, इसकी खूब धुलाई होगी, खूब ट्रोलिंग होगी, इसके लिए ये बेशरम ने इस तरह का ड्रामा क्रिएट की है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि गोंचू अभी वापस आया है और अभी ऑपरेशन हुआ है, अब भी एडमिट हुआ है। नहीं भाई, ये वही दिन सारा कुछ हो गया था जब इसने फेस रिवील वाली वीडियो बनाई है, पहले इसने मलिका वाली वीडियो बनाई दिन में, रात में इसने फेस रिवील वाली वीडियो बनाई, और वही दिन एडमिट भी हुआ इसका बेटा और 1-2 दिन में आ भी गया। सोचो बच्चे का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था कौसर का, उसको 1 दिन में छुट्टी मिल गई थी, तो क्या 11 तारीख को एडमिट किए, अभी तक के उसको रखे थे, अब जाके ऑपरेशन हुआ, कोई टेस्ट नहीं कुछ नहीं, इसने बोली 1 दिन ड्रिप चलाए चढ़ाए भेज दिए, फिर तकलीफ हुई, फिर लेके गए तो डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स है ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराए कुछ नहीं कराए, दवाई की बिल्कुल भी नीड नहीं थी, डायरेक्ट ऑपरेशन। पिटारा किसको बेवकूफ़ बना रही है, तो ये सारी बातें थी जिसके अंदर ये फुल एक्सपोज हुई है कि किस तरह से इसने झूठ बोली है, और ये सारे प्रूफ है कि इसने सब कुछ झूठ बोली है। तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।